देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, VVI क्वेश्चन, जिसे आप मैट्रिक परीक्षा 2023 में बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं जिसके माध्यम से। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका ऑप्शन ए में बोल रहा है मीथेन, और बी में बोल रहा है इथेन, और ऑप्शन सी में बोल रहा है प्रोपेन, और ऑप्शन डी में बोल रहा है ब्यूटेन। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए मीथेन इसका, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये मीथेन। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, पूछा कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। आपका ऑप्शन ए में दे रहा है SO2, और ऑप्शन आपका बी में दे रहा है NO2, और ऑप्शन सी में दे रहा है P2O5, और डी ऑप्शन में दे रहा है Na2O। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी Na2O। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में सादिश राशि कौन है, ऑप्शन ए में आपका बोल रहा है चाल, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है त्वरण, ऑप्शन सी में बोल रहा है समय, और ऑप्शन डी में बोल रहा है दूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोल रहा है अगला प्रश्न कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को कहते हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है आपका रूपांतरित गति, और ऑप्शन बी में दे रहा है ध्रुवण गति, और सी में दे रहा है आवर्त गति, और आपका डी में दे रहा है इनमें से सभी। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी आवर्त गति। चलिए फ्रेंड्स आपके लिए ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आपको आगे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि SI मात्रक में कितने आधारी राशि हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है आपका 1, ऑप्शन बी में दे रहा है 7, ऑप्शन सी में दे रहा है 3, और ऑप्शन डी में दे रहा है आपका 5। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7, ये देखिए 7 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, आपका ऑप्शन दे रहा है पहला ग्लूकोज, बी ऑप्शन में दे रहा है प्रोटीन, और सी ऑप्शन में दे रहा है स्टार्च, और ऑप्शन डी में दे रहा है फैटी एसिड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोज। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो आपका ऑप्शन ए में बोल रहा है रॉबर्टसन, ऑप्शन बी में बोल रहा है ब्राउन, और सी ऑप्शन में बोल रहा है ड्रविन, और ऑप्शन डी में दे रहा है रॉबर्ट हुक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक, सही ऑप्शन हो जाएगा डी रॉबर्ट हुक। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए में दे रहा है आनुवंशिकी, और ऑप्शन बी में दे रहा है कोशिका विज्ञान, और ऑप्शन सी में दे रहा है साइटोजेनेटिक्स, और ऑप्शन डी में दे रहा है आपका उत्तक विज्ञान। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोशिका विज्ञान, देखिए कोशिका विज्ञान ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न करते हैं। तो मानव हृदय घिरा हुआ है, बोल रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है आपका पेरिकांड्रियम से, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है आपका जाइलम से, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है आपका फ्लोएम से, और ऑप्शन डी में दे रहा है आपका प्लाज्मा से। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पेरिकांड्रियम से।
आपका ये हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलने वाला है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।